हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। आई एम अभिषेक। तो फ्रेंड देखिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड और बायो से रिलेटेड। आप हमारे जितने भी वीडियो हैं वो सारे अच्छे से देख सकते हो, जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाली आप लोग से। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके भी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, जो कि बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड देखिए, आप लोगों ने हमारे इस चैनल को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया है और मैं आशा करता हूँ आप अपना प्यार इसी तरह बरकरार रखोगे। तो मैं भी आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने इस वीडियो के थ्रू, अपने इस चैनल के थ्रू अच्छे अच्छे वीडियो अपने इस चैनल पर डालता रहूंगा। सर देखिए, मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि नीट 2021 और बोर्ड्स की भी तैयारी हमारे चैनल पे होगी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा अपने इस चैनल के थ्रू। तो मैं आप लोगों का बस हेल्प करना चाहता हूं फ्रेंड्स। मैं और मेरे जो पार्टनर है वो पूरा मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए अच्छी सुविधा प्रोवाइड करा सके, शॉर्ट वीडियो में आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाओ। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मैं जानता हूं लंबे लंबे लेक्चर कोई नहीं सुनना पसंद कर सकता है, मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, जब शॉर्ट वीडियो में ही आप लोग इतना अच्छे समझ जाते हो तो लॉन्ग वीडियो की कोई जरूरत ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं भी एक स्टूडेंट हूं। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, आप जैसा ही स्टूडेंट हूं। तो मुझे पता है ना कि आप लोगों को क्या पसंद लगता है, किस टाइप से वीडियो अच्छे लगते हैं और क्या चाहिए, तो मुझे पूरे अच्छे तरह से पता है। तो वही मैं आप लोगों के लिए हमेशा अपलोड करता हूं, आप लोगों को देता हूं वो सुविधा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप अपना प्यार इसी तरह बरकरार रखोगे। तो हमारे जब हमारा यूट्यूब चैनल जब 400 प्लस सब्सक्राइबर क्रॉस करेगा फ्रेंड्स, तो हमारे इस चैनल पे बोर्ड और नीट 2021 की भी प्रिपरेशन करवाने स्टार्ट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा विश्वास है कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को 400 प्लस सब्सक्राइबर क्रॉस करवा दोगे फ्रेंड्स। आज मैं अपने इस वीडियो का फ्रेंड्स कम से कम 65 लाइक मैं आप लोग से मांगता हूं कि आप लोग 65 लाइक हमारे चैनल को आज हमारे इस वीडियो को देने वाले हो। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की, जो कि नीट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो जितना भी डेट है ना, वो थोड़ा याद करना इजीली नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है डेट ऐसे ऐसे होते हैं जो कि आप लोगों को आसानी से याद नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, मैं जानता हूं, तो मैंने क्या किया है कि जितने भी डेट है वो एक जगह पे लिख दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, आप उसे डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए डेट्स पे आते हैं और हम लोग बात करते हैं जितने भी डेट है, जितने भी नीट में पूछे गए हैं, मैं आप लोगों को पूरा बता दूंगा कि कौन से पूछे गए हैं डेट, कौन सा इंपॉर्टेंट है और पूछा गया था, मैं सारे बात बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो में बने रहे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर देखिए, सबसे पहले जो विश्नोई ट्रेजेडी थी, ये हुई थी 1931 में। ये कब हुई थी फ्रेंड्स? 1931 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग इंसेक्टिसाइड एक्ट की। जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है वो 1968 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1968 में। ओके, अब बात करते हैं हम लोग फॉरेस्ट एक्ट की। तो देखिए सर, फॉरेस्ट एक्ट कब हुआ था? फॉरेस्ट एक्ट जो है वो 1927 में हुआ था। ओके सर, अब बात करते हैं हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो हुआ था 1972 में। ओके सर, अब बात करते हैं हम लोग चिपको मूवमेंट ऑफ गरेवाल हिमालया। तो ये जो हुआ था फ्रेंड्स वो 1974 में हुआ था। ओके सर, अब बात करते हैं हम लोग चिपको मूवमेंट ऑफ गोपेश्वर, ये हुआ था 1974 इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। ये कहां हुआ था फ्रेंड्स? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो है क्वेश्चन, ये भी पूछे जाते हैं, इनके डेट भी पूछ दिए जाते हैं और ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, मैं भी यहाँ पे लिख दिया हूं वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके सर, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट था वो? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट था। ओके सर, अब बात करते हैं हम लोग एयर प्रिवेंशन एक्ट एंड कंट्रोल। तो सर देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये नीट में ऑलरेडी पूछे हुए हैं, आप इसे याद कर लोगे, क्योंकि नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, तो आप इस सब बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे। ओके सर, तो एयर प्रिवेंशन एक्ट जो एक्ट और कंट्रोल एक्ट था वो 1981 में आया था। ओके सर,
अब बात करते हैं हम लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो देखिए सर, ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था, एक भोपाल के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही भयानक घटना थी। आप लोग ने भी इसके बारे में सुना हुआ था, बहुत लोगों की इसमें मौतें हो गई थी। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो 1984 में हुआ था। और ये कहां हुआ था? तो सर ये भोपाल में हुआ था। ओके, 1984, इसको भी आप लोग याद रखोगे, ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। सर देखिए, जितने भी यहाँ डेट्स हैं वो मैंने बहुत ही चुन चुन के लिखे हैं, जो नीट में आ चुके हैं और इनके आने के चांसेस भी हैं, मैं उन्हीं को यहाँ पे लिखा हूँ। अब बात करते हैं सर, नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में हुआ था। ओके, तो 1986 में, आप लोग इसको भी आसानी से याद कर लोगे। अब बात करते हैं हम लोग, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो हुआ था 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो हुआ था 1987 में। अब बात करते हैं सर क्वेटो प्रोटोकॉल। सर जो क्वेटो प्रोटोकॉल था वो हुआ था 1997 में। क्वेटो प्रोटोकॉल 1997 में। आप लोग पूरे ध्यान से मेरे बातों को सुनोगे, आई होप आप लोग अगर उसको ध्यान से एक बार सुन लोगे तो आप लोग को ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा, आप लोग को इजिली आराम से याद हो जाएगा। सर कोई भी बड़े सब डेट नहीं, आराम से आप लोग इजिली याद कर लोगे, मैं जानता हूं। अब बात करें सर अर्थ समिति जो थी, अर्थ समिति थी वो हुआ था 2002 में। अर्थ समिति थी वो हुआ था 2002 में। अब बात करते सर कोपेन और हेगेन समिति, ये हुआ था 2009 में। ये कब हुआ था? 2009 में। सर देखिए, क्वेटो प्रोटोकॉल सेकंड, जो क्वेटो प्रोटोकॉल था उसका जो सेकंड कमिटमेंट था वो हुआ था 2012 में। क्वेटो का जो, देखिए सर यहाँ पे एक क्वेटो प्रोटोकॉल वो हुआ था 1987 में, और यहाँ पर एक क्वेटो प्रोटोकॉल सेकंड कमिटमेंट जो था इसका वो 2012 में हुआ था। ओके सर, बात करते हैं लेप्रोसी डे की। तो लेप्रोसी डे कब होता है? तो लेप्रोसी डे 13 जनवरी, लेप्रोसी डे 30 जनवरी को। और वर्ल्ड कैंसर डे, सर वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फेब को होता है, 4 फेब्रुअरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है। नेशनल साइंस डे जो है वो 20 फेब्रुअरी को होता है, नेशनल साइंस डे जो होता है वो 20 फेब्रुअरी को होता है। और सर जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है वो 8 मार्च को होता है, इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो होता है 8 मार्च को। ओके सर, आप लोग उसको ध्यान से सुनोगे, आप लोग को भी ये पता होगा, नॉर्मली है वुमेन्स जो डे होता है वो 8 मार्च को होता है। बात करते हैं ट्यूबर क्लॉसिस की। तो जो ट्यूबर क्लॉसिस डे है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। कब होता है सर? 24 मार्च को। अब सर वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। ओके सर, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म में हम लोग। अब देखिए सर, जो हम लोग का अर्थ है उसका हम लोग अर्थ डे वो 22 अप्रैल को होता है, अर्थ डे 22 अप्रैल। वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे जो है, सॉरी यहां पर मैंने डेट लिख दिया है, यहां पर डे होना चाहिए। ओके सर, वर्ल्ड डायवर्सिटी डे वो होता है 22 मई को, 22 मई। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। सर देखिए, ये अर्थ डे है, इसका भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है नीट में, एक बार नीट में ये आ चुका है। और ये वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे है ये भी नीट में आ चुका है। ओके सर, तो इसको आप लोग ध्यान से याद कर लोगे। इंटरनेशनल डे ड्रग अगेंस्ट अब्यूज, ये जो था वो 20 जून को, यानी इंटरनेशनल अगेंस्ट ड्रग अब्यूज को ये हुआ था 20 जून को। सर बात करते हैं डॉक्टर डे। सर जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो डे जो होता है डॉक्टर डे जो होता है वो 1 जुलाई को। ओके सर, डॉक्टर डे 1 जुलाई को। ओके, अब बात करते हैं वन महाउत्सव डे की। तो वन महाउत्सव डे होता है 7 जुलाई को, वन महाउत्सव डे 7 जुलाई। ओके सर, अब बात करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये भी नीट में क्वेश्चन पूछी हुई है, इसके भी नीट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है। ओके सर, अब बात करते हैं मलेरिया डे। तो वर्ल्ड मलेरिया डे होता है 29 अगस्त को, ये होता है 29 अगस्त। ओके, बात करते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो 8 सितंबर को होता है, 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे होता है। ओके सर, अब बात करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे, इसके भी क्वेश्चन सर नीट 2018 में पूछे हुए हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से याद कर लोगे, ये कुछ दिन पहले ही आया हुआ है नीट में। ओके, तो वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। वर्ल्ड हैबिटेट डे 4 अक्टूबर, वर्ल्ड हैबिटेट डे 4 अक्टूबर, इसको भी आप लोग याद कर लोगे। ओके सर,
अब बात करते हैं एनिमल डे 3 अक्टूबर। एनिमल डे कब होता है? तो 3 अक्टूबर को। हम लोग का जो एड्स डे है वो होता है 1 दिसंबर को। एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो है नेशनल पॉपुलेशन प्रिवेंशन डे 2 दिसंबर को। नेशनल पॉपुलेशन प्रिवेंशन डे 2 दिसंबर, ओके। एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन डे ये होता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को होता है। एंड किसान दिवस, फ्रेंड किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये होता है 29 दिसंबर को। इसको आप लोग ध्यान से याद कर लोगे फ्रेंड्स। ये जो है एड्स डे है, या ये क्वेश्चन मैं रेगुलरली, मैं जब भी पढ़ता हूँ बुक्स में तो ये क्वेश्चन हमेशा मेरे को मिलता है। तो ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर से याद कर लोगे। वो जो एड्स डे है वो 1 दिसंबर को होता है, इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ओके सर। अब बात करते हैं ह्यूमन फैमिली प्लानिंग एक्ट, ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1951 में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। ये सर फ्रंट में ही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लोगे। ये भी कभी पूछ लिया जाता है, ओके सर। तो आज के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल पर बने रहें, हमारा जो चैनल का सब्सक्राइब कर लें, बेल प्रेस कर लें, और सर हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सर, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से रहिए सर, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ओके सर, धन्यवाद।